मगर उतनी ही जरूरी बात, जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए। किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे, ये हरियाणा से क्यों भागे, उनसे मैंने पूछा। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए। कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सुरीनाम के बाद पैनामा, पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे, जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया, हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पकड़ रहे हैं, एक मुझे कहता है राहुल जी मैं
ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है, भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, 10 साल के लिए हम ना अपने माता ना अपने पिता ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे किया लोन, किस दिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। पचास लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कहां गए, किसके हाथ में गए, क्यों गए? फिर मैं वापस आया, वायदा किया था, करनाल गया 5 बजे सुबह, परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है, एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं बहनें बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं, मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है, क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनका उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं, हर रोज होता है। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए, किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं। भाइयों आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए, वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है, ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास, विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, अमीरों की जमीन, जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए, अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए, हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए,
धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए, यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी, जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से, उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी के जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इसराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी का लेना देना नहीं है। इसराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पर अदानी का लेबल लगता है, कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पर लेगल लेबल लगता है अदानी, और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। तो सम्मान बहुत जरूरी है, मगर पैसे के बिना सम्मान मिल ही नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर, मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने बात कही, मैं आपको बताऊं मजे की बात, हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए डालना है। वो सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, मैं बता रहा हूं आपको, सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, नहीं 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 हो सकता, करा नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होता। मैंने उनसे कहा देखो भैया, आप एक्सपर्ट हो, आपको जो बोलना है बोल दो, मगर 1,00,000 रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक में जाएगा, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको जो कहना है जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर 16,00,000 करोड़ रुपया अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं 16,00,000 करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनका मत करो इनका करो, मैं कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का हो सकता है तो फिर किसानों का हो सकता है। अगर आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो, मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, हर किसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर अदानी का भी 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, माताओं बहनों का होगा। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ ना हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मगर फिर अरबपतियों का नहीं होगा। मगर अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा, हम ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान। इसीलिए हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं,
और इन इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है, कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगे। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आबादी 50%, 90 में से 3, और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं, और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है, बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी, बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है, 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं, 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी,
कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉरपोरेट, 250 सबसे बड़े कॉरपोरेट, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं, 250 में से एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉरपोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है, उसमें आपका कोई है ही नहीं। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना, यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारे आए हुए हैं। आप देखो वर्कर्स की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो ओनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है, यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है, हरियाणा की सरकार आएगी यहां पे बदलाव आएगा, मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है, और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी, और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं, इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अदानी जी की सरकार है, यह बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए,
किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए।